हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और मैं आज लागत लेखांकन को भी पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरी चैनल के नए व्यूअर हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? लागत लेखांकन वित्तीय लेखा पद्धति की सहायक होता है। लागत लेखांकन किसी वस्तु या सेवा की लागत की व्यवस्थित या वैज्ञानिक विधि से लेखा विधि को लेखा करने की प्रणाली को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके द्वारा वस्तु या सेवा की कुल लागत प्रति इकाई का सही अनुमान लगाना, इसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके द्वारा लागत पर नियंत्रण किया जाता है। यह उत्पादन विक्रय वितरण की लागत भी बताता है, इसे हम क्या कहेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कुल मिला के एक प्रोसेस होता है, वो रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग करने का और कंपनीज की कॉस्ट को कंट्रोल करने का होता है। वो वेरिएबल हो, फिक्स्ड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारा जो कॉस्ट निकलती है उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग में डालते हैं और लिखते हैं। इसका उद्देश्य उन विधियों को जानना है जिनके द्वारा हमने सामग्री, मजदूरी, ओवरहेड्स पर जो खर्चे करे हैं उनका रिकॉर्ड रखना, उनको क्लासिफाई करना और आवंटित किया जाता है कि उत्पादों और सेवाओं की लागत का सही पता लगाया जा सके कि ये बिक्री जो है किससे संबंधित है और कहाँ से हमें प्रॉफिट देगी। ये लाभप्रदता निर्धारित की जा सकती है। ये एक मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है और उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड करते हैं। फिर भी व्यापार और उद्योग के विकास के साथ इसे उद्देश्य दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या कहलाता है? कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं हमारे को, ये कहाँ से इसका उद्देश्य फ़ायदा हो सकता है? वो है एक व्यावसायिक चिंता से निर्मित विभिन्न उत्पादों की प्रति यूनिट लागत जो है उसका पता लगाने में मदद करती है। मीन्स एसर्टेन प्रॉफिट निकालने में, मीन्स एसर्टेन कॉस्ट निकालने में कि एक कॉस्ट क्या बनती है। इसकी प्रक्रिया जो है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल को ध्यान में रखते हुए हम अपने कॉस्ट अकाउंटिंग को, कॉस्ट को मेंटेन करते हैं। ये किसमें? इसके तीन एलिमेंट्स होते हैं हमारा। कौन कौन से पे ध्यान जाता है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। इस पे हमें मेन फोकस रखना होता है कॉस्ट के एलिमेंट को निकालने के लिए। इसके लिए मैं आपको एक अलग से पार्ट टू का वीडियो में बना के दूंगी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की। तो अभी आप कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, क्लियर करें और इसके उद्देश्य को समझें कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, इसका उद्देश्य क्या है कॉस्ट का जो हमें निकालनी पड़े कि एक इकाई के लिए हमने कितना खर्च करा। तो वो है कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ फॉर कॉस्ट, हम जो है प्रोसेस किस प्रोसेस से निकल रहे हैं, कॉस्टिंग अकाउंटिंग की कॉस्टिंग निकालना, रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड करना, एक स्टैटिस्टिकल डाटा बनाना जिस पर हमें कंट्रोल करना है, जिन वैल्यूज़ पर हमें कंट्रोल करना है, ये हमें मदद करती है उसमें, हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल। प्रिपरेशन ऑफ बजट, हमें प्रिपरेशन करने में मदद करता है ये बजट बनाने में कि हमें कहाँ से रिड्यूस कॉस्ट करनी है, कितनी सेलिंग प्राइस है, कितना हमारा परचेज रहा है और कितनी हमारी कॉस्ट आई है। और हमारे को ये हेल्प करता है कि इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है और हमारा एडवांटेज भी यही है कि कंपेरिजन हमारे को करने में आसान हो जाता है कि कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड्स।
प्रेजेंटेशन ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन शो ऑफ करने का हमारा यही उद्देश्य रहता है कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग में, और हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. किस चीज़ का डिसीजन मेकिंग में? हमारी एक कॉस्ट की निकालने में और प्रॉफिट निकालने में हमारी हेल्प करता है. और इसी में हमारी एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट होती है कि हमारी क्या एस्टिमेट हमारी एक इकाई की क्या निकलेगी. तो इसमें क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, मीन्स टोटल कैलकुलेटिंग द टोटल एंड वन यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. सेकेंड, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड कॉस्ट एज सो फार सब डिवाइड एक्सपेंडिचर्स, एलोकेटिंग द एक्सपेंडिचर टू सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर्स एंड बिल्ड अप अ टोटल कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट्स, एंड कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट, प्लानिंग एंड बजटिंग द कॉस्ट एंड द हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. सो गाइज, आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग को आपने अच्छे से समझ लिया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा. मैं प्रियंका कौर अलविदा लेती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ फिर मिलूँगी. थैंक्स.